तो दोस्तों अगर आप अंडर 15,000 सैमसंग का एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी एनालिसिस करने के बाद हमने इन तीनों स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, कैमरा वाइज या फिर जो है डिस्प्ले, हर चीज में बेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन है ये तीनों। तो आप इन तीनों में से किसी को भी अगर खरीदते हैं तो आपके बाद में कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा फोन बेस्ट है और कौन से फोन में जो है एवरेज सा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G। तो चलिए हम इस फोन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो फोन काफी बल्की है और ट्रेडिशनल लुक के साथ आता है। अगर आपको एक हाथ से फोन यूज करने का आदत है तो आप इसे जो है आसानी से एक हाथ से यूज कर सकते हैं। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है तो फिंगरप्रिंट के निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोन के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिल जाएगा। पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है और गाइज लेफ्ट साइड में आपको जो है सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक और माइक्रोफोन दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल कहें दोस्तों तो डिजाइन काफी अच्छा सा देखने को मिलता है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब हम इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले के बारे में कहें तो इसमें आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है, धूप या फिर हाई लाइट में भी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम डिस्प्ले पे आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 64MP का मेन लेंस दिया गया है, 5MP का अल्ट्रा वाइड के लिए मिलेगा और 2MP का डेप्थ सेंसर। और गाइस फ्रंट में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिल जाता है। रियर कैमरे से आप 30fps पर 1152p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में। रियर कैमरे का फोटो क्वालिटी या फिर डिटेलिंग जो है काफी परफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट कैमरा दोस्तों उतना बेस्ट नहीं कहेंगे। अगर आप लो लाइट में सेल्फी आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है क्वालिटी उतना बेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और कैमरा फीचर्स में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सेल्फी कैमरा आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। अब इस फोन के हम बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000mAh का बैटरी दिया गया और उसी को चार्जिंग के लिए 15W का चार्जर। तो इसमें आपको चार्जिंग स्पीड आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 5000mAh के बैटरी के साथ ओनली 15W का चार्जर दिया गया है तो चार्जिंग स्पीड आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप हाई पावर वाले एडेप्टर को यूज करते हैं तो चार्जिंग स्पीड भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप तो आपको बिल्कुल ही 2 दिन तक का मिल जाएगा नॉर्मल यूज में। ठीक है, तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा दिया गया है। अब इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का एक 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 7nm पे बेस्ड। काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस फोन में, गेमिंग वगैरह काफी अच्छा प्ले कर पाएंगे और दोस्तों एंड्रॉइड 11 बेस्ट 1UI 3.1 पे वर्क करता है तो परफॉर्मेंस काफी तगड़ा मिलेगा। इसमें आपको जो ब्लॉटवेयर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें तो आपको एक बड़ा सा IPS LCD डिस्प्ले मिल ही रहा है 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ। साथ में दोस्तों आपको जो है कैमरा भी काफी अच्छा दिया गया है, रियर कैमरा। बैटरी बैकअप 2 दिन तक का मिल रहा है और प्रोसेसर तो बेस्ट है ही। ठीक है, तो PUBG, फ्री फायर या फिर COD जैसे गेम में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफी अच्छा फोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G जो कि एक धासु फीचर्स के साथ आता है। तो आइए इस फोन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, डिस्प्ले आपको क्या देखने को मिलेगा, कैमरा कैसा है, जो सारी चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जरूर आप एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का एक बड़ा सा फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो काफी स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं ज्यादा तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो है डिस्प्ले काफी मस्त चलता है। वैसे अगर आप 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे किसी भी ब्रांड के फोन में जाएंगे तो आपको जो 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिया जा रहा है तो डिस्प्ले में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, काफी स्मूथली आप गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। इस फोन के कैमरा की बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा बैक साइड में, 50MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड के लिए और एक 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट में सेल्फी के लिए वही 8MP का कैमरा। तो इसका जो रियर कैमरा है वो काफी अच्छा मिलेगा, सेल्फी कैमरा भी ठीक ठाक ही मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड के लिए भी दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, वैसे 5G फोन में अगर आप 15,000 रुपए से नीचे जाएंगे तो आपको किसी भी फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं दिया जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा काफी अच्छा मिल जाता है, साथ में आपको फेस डिटेक्शन, स्लो मोशन, नाइट मोड जैसे फीचर्स तो आपको मिलेगा ही। और इस फोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000
एम्पीयर का बैटरी और इसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 25 वाट का फास्ट चार्जर। तो काफी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड इसमें आपको जो काफी अच्छा मिल जाएगा और बैटरी बैकअप भी आपको 2 दिन से ऊपर मिलेगा नॉर्मल यूज में। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं वीडियोस देखने के लिए या फिर गेमिंग वगैरह करने में तो आप इस फोन को 1 दिन तक जो है आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड इस फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि ऑक्टा कोर के साथ आता है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर वो ऐसे भी पावरफुल होता है, ठीक है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। पबजी, फ्री फायर या फिर COD जैसे गेम को हाई सेटिंग में आप इजीली प्ले कर पाएंगे। 5G कनेक्टिविटी है तो आपको जो है काफी अच्छा गेमिंग में मजा आएगा। कुल मिलाकर अगर इस फोन के बारे में कहें तो डिस्प्ले तो बेस्ट है ही, 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो काफी पावरफुल दिया गया है और चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है, तो काफी अच्छा फोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 14,999 रुपये में मिल जाएगा। अब फर्स्ट नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G, नंबर 1 स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, ठीक है। वैसे अगर डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ आता तो और भी काफी अच्छा मिलता। साथ में 190 ग्राम का है तो फोन आपको थोड़ा सा भारी फील भी करा सकता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है तो डिजाइन वगैरह काफी मस्त देखने को मिलेगा इस फोन का, ठीक है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो डिस्प्ले नंबर 1 देखने को मिल रहा है दोस्तों। उन दोनों फोन में आपको LCD पैनल दिया गया था लेकिन इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है और आपको पता होगा कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले कितना वेस्ट होता है, ठीक है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा डिस्प्ले में अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर वीडियोज वगैरह देखते हैं तो। और अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, क्वाड कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है 48MP का मेन लेंस है, 8MP का अल्ट्रा वाइड के लिए और 5 MP का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर, ठीक है। रियर कैमरे से आप 30fps पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और गाइज फ्रंट में भी 20MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और सेल्फी कैमरे से भी आप 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरा दोस्तों बिल्कुल ही बेस्ट है। अगर आप बेस्ट कैमरा फोन लेने की सोच रहे हैं 5G फोन के साथ सैमसंग का तो जरूर आप इस फोन को खरीद सकते हैं। कैमरा में नंबर 1 स्मार्टफोन है, 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, साथ में आपको नाइट मोड, स्लो मोशन, फेस डिटेक्शन जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलेगा ही। तो अगर आप स्पेशली कैमरा के लिए एक सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। अब इस फोन के हम बैटरी की बात करते हैं तो ही 5000mAh का बैटरी इसमें दिया गया है और उसी को चार्जिंग के लिए 15W का चार्जर। तो बैटरी बैकअप तो आपको मिलेगा ही काफी अच्छा है लेकिन चार्जिंग स्पीड आपको वही बहुत ही स्लो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ओनली 15W का चार्जर दिया गया है। और वैसे भी दोस्तों सैमसंग के हाई बजट वाले फोन के साथ भी आप जाएंगे तो चार्जर उतना बेस्ट नहीं मिलता है, आपको जो है स्लो का सामना करना ही पड़ेगा। और परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एक 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि ऑक्टा कोर के साथ आता है और 8nm पे बेस्ड है, ठीक है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इस फोन में आपको, ठीक है, तो काफी अच्छा गेमिंग वगैरह कर पाएंगे और मल्टीटास्किंग को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो अगर आप बैकग्राउंड में 8-10 एप्स को भी ओपन करके छोड़ देते हैं फिर भी फोन स्लो नहीं होगा। तो इस फोन के परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए तो नंबर 1 स्मार्टफोन है 15,000 रुपए से नीचे 5G फोन में। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से 15,000 रुपए से नीचे ये तीनों बेस्ट 5G फोन में आता है। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस फोन को कवर करेंगे। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।